हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल से फूडी रे। आई एम राजी। आज मैं आपके लिए महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट रेसिपी लाई हूँ, जिसका नाम है मिसल पाव। महाराष्ट्र में मिसल पाव बहुत तरीके से बनाया जाता है। इनफैक्ट एवरी रीजन हैज इज ओन वर्शन ऑफ मिसल पाव। हर रीजन के मिसल पाव में इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट यूज होते हैं, उनका स्वाद डिफरेंट होता है और जो स्पाइस लेवल है वो भी डिफरेंट होता है। आज मैं आपके लिए महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस कोल्हापुरी मिसल पाव लाई हूँ। कोल्हापुरी मिसल पाव बहुत ही स्पाइसी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है और जिसे मराठी में बोलते हैं झनझनीत होता है। इसे जो एक बार खा लेता है वो इसका स्वाद कभी भूलता नहीं है। इस रेसिपी में मैंने कोल्हापुरी मिसल पाव का जो मसाला होता है वो घर पे कैसे इजीली बना सकते हैं उसका रेसिपी इंक्लूड किया है। आप लोग ध्यान से फॉलो कीजिए और हो सके तो घर में बना कर देखिए। घर में बनाया हुआ जो मसाला होता है वो बहुत ही अनअडल्टरेटेड होता है और उसका जो स्वाद रहता है बहुत ही टेस्टी होता है, ऑथेंटिक होता है और इसका स्वाद जो मिसल जो बनाते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा एनहांस करता है कम्पेयर टू स्टोर बॉट मसाला। तो आप मेरी रेसिपी फॉलो करके घर पे मसाला बना के देखिए और इसको मिसल बनाने में यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसा बना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरा वीडियो एंड तक देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब देखिए रेसिपी।
कैसा लगा मेरा रेसिपी? आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड वॉचिंग इट. मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि इस रेसिपी में थोड़ा सा ज्यादा तेल यूज होता है, थोड़े से ज्यादा मसाले यूज होते हैं, तभी जो कोल्हापुरी मिसल है उसका जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो उभर के आता है. तो आप तेल और मसाले यूज करने में जरा भी कंजूसी ना करें, दिल खोल कर यूज करें, क्योंकि कभी कभी स्पाइसी खाने से या कभी कभी ऑयली खाने से कुछ नहीं होता हमारे हेल्थ को, मैं आपको गारंटी देती हूँ. आज के इस रेसिपी में मैंने स्प्राउटेड मटकी यूज किया है मिसल बनाने के लिए. आप स्प्राउटेड मूंग यूज कर सकते हैं, या कुछ लोग तो बॉयल मटर यूज करते हैं, जो सफेद वाले मटर आते हैं उनको बॉयल करके यूज करते हैं. इट डिपेंड्स अपन रीजन टू रीजन, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं रेसिपी को. लेकिन मसालों में कंजूसी जरा भी नहीं कीजिए. आप ये रेसिपी घर पे बना के देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, घर वालों को कैसा लगा, फ्रेंड्स को कैसा लगा. अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खाओ पियो दिल से एंड कीप वॉचिंग दिल से फूडी रे.